तरुण कुमार है। तरुण जी यहाँ पे पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जी अहिर रेजिमेंट का जो प्रोटेस्ट हो रही है, इसका डिमांड क्या है आप बताएंगे? अहिर रेजिमेंट अपना शहीदों का हम हक मांग रहे हैं, उसके लिए हमें ये लड़ाई छेड़ी है और ये लड़ाई आगे तक चलेगी, इसको बंद नहीं करेंगे हम जब तक हमारी भी है। हेलो, अभी हमारी बात सभी मंत्रियों से चल रही है, अभी देखते हैं कहां तक बात पहुंचती है। आपको नहीं लगता कि ये रेजिमेंट बनाने की जो बात है काफ़ी बाद में आप उठाए हैं मुद्दा? नहीं, ये रेजिमेंट की बात तो 70 साल से उठा रखी है, हमारे बुजुर्गों ने उठाई, अब हम उठा रहे हैं, हमारे नौजवान भाई उठा रहे हैं। नहीं, यहाँ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे अभी फर्स्ट आपका है स्टेप प्रोटेस्ट का, उठे थे पहले? नहीं, हमारा तो पहला है, अभी अभी उठाया हमने तो, या एक महीने से हम 2 महीने से लगे हुए हैं। इसका कारण बताएंगे क्यों इतना विलंब? ये सब मंत्रियों की वो है, बना नहीं रहे, हक तो हमारा है, शहीद हमारे जहाँ भी शहीद होते हैं सबसे ज़्यादा अहिर शहीद होते हैं, कोई सी लड़ाई ठाके देख लो पीछे से लेके अब तक। रेजिमेंट के साथ साथ क्या आप पॉलिटिक्स में भी हिस्सेदारी मांग सकते हैं या मांगेंगे? नहीं, पॉलिटिक्स में हमारा कोई वो नहीं है, हमें सिर्फ अपने रेजिमेंट से ही मतलब है, हमारी अहिर रेजिमेंट बना के दो, हमें यहीं तक ही खुश हैं। आपके साथ कितने लोग आए हैं यहाँ पे, किस किस क्षेत्र से आए हैं? हमारे नजफगढ़ से ही डबर से आए हैं ज़्यादातर आदमी, यहीं से हैं और कुछ लोग गुड़गांव से हैं। ये तो छोटा सा ही नज़ारा है, नहीं तो जब पूरा देश इकट्ठा हो, 22 करोड़ की आबादी है हमारी हिंदुओं की, इसमें यादवों की, तो अगर सारे उठ के आ गए तो पूरी दिल्ली को हिला देंगे। ये हमारे नजफगढ़, ये नजफगढ़ के हैं हमारे हैं। बावजूद भी रेजिमेंट वेलफेयर जो बनाने का है, रेजिमेंट आपको न बने, तो अगला स्टेप आपके द्वारा क्या होगा? अगला स्टेप पूरी रणनीति हम तैयार करेंगे, पूरे क्षेत्र पूरे भारत देश में घूमेंगे और उस सबको जगाएंगे, रेजिमेंट हम बना के रहेंगे।